दोस्तों, आखिर नेपाल में ऐसे कौन से लोग हैं जो पवनदीप राजन को जबरदस्ती अपने देश नेपाल बुला रहे हैं? आखिर इन लोगों के साथ पवनदीप राजन का क्या रिश्ता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए पवनदीप राजन से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट और एक बहुत बड़ी खबर लेकर आ गए हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पवनदीप राजन 14 और 15 को नेपाल में जाकर शो करने वाले हैं, और इसीलिए नेपाल से जुड़ी दो बड़ी बातें और दो बड़े सवाल सामने आ चुके हैं, जिसमें से पहला सवाल ये है कि आखिर नेपाल में ऐसे कौन से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि पवनदीप राजन नेपाल में आकर शो करे, और दूसरा सवाल ये है कि आखिर जिस जगह पवनदीप राजन नेपाल में जाकर परफॉर्म करने वाले हैं, वहां पर पहले इंडिया के कौन से बड़े बड़े कलाकार परफॉर्म कर चुके हैं? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, आखिर नेपाल के कौन से लोग पवनदीप राजन को जबरदस्ती नेपाल बुला रहे हैं, पूरी खबर बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो में। चैनल पर आप पहली बार आए तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पवनदीप राजन को कौन से लोग नेपाल बुला रहे हैं, और जिस जगह नेपाल में पवनदीप राजन शो करने वाले हैं, वहां पर पहले कौन से बड़े बड़े कलाकार शो कर चुके हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब इंडियन आइडल सीजन 12 शो चल रहा था, उस वक्त नेपाल में जो पवनदीप राजन के फैन हैं, जो पवनदीप राजन को वोट्स नहीं कर पा रहे थे, वो चाहते हैं कि पवनदीप राजन नेपाल में आकर उनके सामने परफॉर्म करे, ताकि वो अपना प्यार पवनदीप राजन को दे सके। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि नेपाल में पवनदीप राजन जिस जगह पर परफॉर्म करने वाले हैं, उस जगह बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार जैसे नेहा कक्कड़ और अरमान मलिक भी पहले परफॉर्मेंस दे चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वेल दोस्तों, आपको ये खबर सुनकर कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमने एक पोस्ट भी डाला है जहां पर आप अपनी राय जरूर दें। चैनल पर आप पहली बार आए तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन को।